करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ का व्रत रखते समय क्या करें और क्या ना करें, और इसी के साथ बताएंगे करवा चौथ के व्रत की शुभ मुहूर्त तथा चांद निकलने का समय। तो बनी रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, इस बार 24 अक्टूबर 2021 को ये व्रत रखा जाएगा। 5 साल बाद फिर इस करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा, तो वहीं रविवार का दिन होने की वजह से सूर्य देव का भी व्रती महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये व्रत बहुत नियम और सावधानी से किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है वो काम जो आपको व्रत रखते समय नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्य उदय के साथ ही हो जाती है। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। सास को दी गई सर्गी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सर्गी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान ना करें। आज के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई सिलाई या बटन टाकने का आज के दिन ना करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, इस दिन चांद निकलने का समय 8:11 पर है, और इसी के साथ पूजा करने का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।